हेलो एवरीवन। सो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके पहले वैलेंसी कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे थे और एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या अंतर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट के कैसे केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखे थे। लगभग 5 लेक्चर इसका आ चुका है, अब ये 6ठा है और इसमें हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 3 लॉ हैं इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसको मतलब काफ़ी अच्छे से देखना है। समझो कि पूरा लेक्चर का आधा यही ले जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केवल, क्योंकि इसमें मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना है। सबसे पहले देख लेते हैं इसको किसने दिया था, तो एंटोनी लेवेजियर, शायद मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, उन्होंने दिया था। और क्या कहा था उन्होंने कि द लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ठीक है, नाइस, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। दिस लॉ इज फाउंड एप्लीकेबल टू ऑल केमिकल रिएक्शन। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ओके, कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। अब फिजिकल रिएक्ट, इसमें हम फिजिकल चेंजेस की बात नहीं करें, केमिकल चेंजेस की बात करें, क्योंकि केमिस्ट्री में अधिकतर जो चीज़ें होती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो केमिकल चेंजेस होते हैं। दिस मीन्स डैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, असल में इसका क्या स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, दिस मीन्स डैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, किसको कहते हैं, रिएक्शन के पहले जो भी कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट जो होने के लिए तैयार है उन रिएक्टेंट्स, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज लिख दिया है, ऑलवेज इक्वल टू द, जस्ट यही वर्ड यूज किया है बुक में भी, ऑलवेज इक्वल, और इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि मान लो ए प्लस बी है और ये बना मिलके सी प्लस डी कुछ बना, तो ए प्लस बी का जो मास होगा मान लो एक्स ग्राम है, तो सी प्लस डी का भी टोटल मास कितना आना चाहिए, एक सी ग्राम आना चाहिए। अरे बात समझ में, ये चीज कहने की कोशिश करा कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर बट लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ होता है। इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ ये 8 क्लास के लेवल का नहीं है, थोड़ा हाई है, 9-10 उससे आगे का, लेकिन यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। दरअसल ये जो ऑलवेज लिखा हुआ है ना, ये पूरी तरह सही नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, कभी भी केमिकल चेंजेस में पूरी तरह से मास कंजर्व नहीं होता, पूरी तरह से, एकदम पूरी तरह से हम नहीं कहेंगे, थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा मास क्या होता है, या तो घटता है नहीं तो बढ़ सकता है। अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो तो जब भी तुम फायर क्रैकर, जैसे दिवाली, मतलब कभी कभी भी, ऐसे तो मैं पटाखे नहीं थी करता लेकिन जलाता, लेकिन बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जब भी तुम पटाखे फोड़ते हो तो वहां पर भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पटाखों में, मतलब फायर क्रैकर्स में, क्रैकर्स में कौन से केमिकल्स का यूज होता है, शायद बेरियम वगैरह कुछ का यूज होता है। तो पटाखे जब फूटते हैं तो क्या क्या निकलता है, साउंड निकलता है, लाइट निकलता है, ठीक है, और साउंड और लाइट क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है, पता है ना, ठीक है, एनर्जी का ही फॉर्म है। केमिकल रिएक्शन हुआ, साउंड निकला, लाइट निकला, और ये दोनों क्या है, एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म है, यानी एनर्जी निकला। एक और चीज देखते हैं, सी प्लस ओ, कार्बन जब ऑक्सीजन से अथी होता है, ये दोनों रिएक्टेंट है, जब मिलते हैं तो सीओ टू मिलता है, और प्लस में 94 किलो कैलोरी हीट एनर्जी भी मिलता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे देखेंगे एक्सोथर्मिक क्या होता है और इंडोथर्मिक। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा ये कि जब सी प्लस ओ मिलता है तो सीओ टू अथी होता है, और प्लस में हीट एनर्जी भी रिलीज हो रहा है, और हीट हमें पता है कि हीट, यहां देखो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है इस वाले रिएक्शन में, और हमें पता है कि हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो तुम्हें पता है ना कि मास भी एनर्जी का ही फॉर्म है। ये जो एक फॉर्मूला था ना आइंस्टीन का, एम इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, एनर्जी मास थ्योरम, मास क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। तो फिर जब एनर्जी निकल रहा है तो फिर मास कैसे कंजर्व है, रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मास कैसे कह सकते हो, क्योंकि देख रहे हो साउंड निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ, जब तुम पोटेशियम को, जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको जब वाटर में डालते हो तो इसी में तुम, हालांकि घर पर मत डालना, ओके, और आग लग जाता है पानी में भी, ठीक है, वैसे कुछ जादूगर जो नहीं होते हैं, मतलब गाँव में घूमते चलते हो पानी में इसी को डाल के और कहते हैं कि देखो पानी में आग लगा दिए, जबकि होता कुछ नहीं है, पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है
और ये जब वाटर से मिलता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये हाइड्रोजन गैस बहुत ही फ्लेमेबल होता है और यही जलता है, ठीक है। तो और प्लस क्या मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस क्या, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो यहाँ पर भी एनर्जी निकल रहा है और एनर्जी मास का ही फॉर्म है। तो मैंने खुद से सवाल पूछा कि भाई कैसे फिर मास कंजर्व है, क्योंकि एनर्जी निकल रहा है इसका मतलब मास का कुछ ना कुछ अदला बदली हो रहा है, या तो मास घट रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन मास कांस्टेंट कैसे रह रहा है, जबकि ये लोग कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। तो यहीं से मुझे लगा कि नहीं कुछ तो बात है, और मैंने भी कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश की थी इसमें क्या होता है, आखिर कैसे काम चलता है। तो देखो होता क्या है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, थोड़ा सा जान लो, जबकि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। बॉन्ड, जब बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड जब जब बनता है तो वो जो कंपाउंड है वो स्टेबल होता है, ठीक है। जब भी बॉन्ड बना, देखो तो यहाँ पर सी प्लस ओ है, बॉन्ड बन के सी ओ टू बना, मतलब यहाँ बॉन्डिंग हुआ दोनों के बीच में, तो एनर्जी रिलीज हुआ। और जब भी डिकम्पोजिशन होगा, जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होता है, एनर्जी ऑब्जर्व होता है, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा बाहर से सिस्टम, तभी वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो होता क्या है कि फिर तो जितना तुमने अब तक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करी वो तो सब गलत हो गया, क्योंकि मास तो कंजर्व है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं कर रहा है, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, और इतना सारा सब कुछ हो रहा, फिर भी हम मास को कह रहे हैं कि ये बैलेंस रहेगा, और दुनिया भर के सारे केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते जा रहे हैं इसी के चक्कर में कि ये क्या है, मास कंजर्व है, इसीलिए ना बैलेंस करते हैं। वाई केमिकल इक्वेशंस आर नीड टू बी बैलेंस, बिकॉज मास इज कंजर्व। बट यहाँ तो कुछ और ही लोचा हो रहा है कि इस साउंड एनर्जी निकल रहा है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, तो हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में ये सब सही माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो याद है तुम्हें मास नंबर को क्या लिखते हैं, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, और जो भी बॉन्ड बनते हैं बच्चे वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ही बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस एटम में, वो इलेक्ट्रॉन कहीं एक्सचेंज से बनते हैं, या तो आयनिक कंपाउंड होते हैं, या कोवेलेंट होते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीन तरह के बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो भी बॉन्ड्स बनते हैं या जो भी बॉन्ड टूटते हैं उनका इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, और तुम्हें पता है कि मास जो होता है हम एटम का, वो प्रोटोन नंबर, प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखते हैं, और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है प्रोटॉन की तुलना में, लगभग एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के 1880 गुना ज्यादा भार है, भारी होता है। तो इसीलिए सिंस इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ अति नहीं है, मास नहीं है, लगभग न के बराबर है, और ये केमिस्ट्री में यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में या बॉन्ड टूटने में प्रयुक्त होता है, इसलिए केमिस्ट्री में इसको इग्नोर कर देते हैं, इस मास को, ठीक है, इस मास को इग्नोर कर देते हैं, और इसीलिए केमिस्ट्री में बैलेंस करते आते हैं हम लोग, ठीक, अरी बात समझ में, इसीलिए केमिस्ट्री में हम लोग बैलेंस करते रहते हैं हमेशा, मास को बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, कभी बॉन्ड बनते हैं, कभी बॉन्ड टूट, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। फॉर एग्जांपल Na, देखो तो Na का 2, 8 और 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और Cl का कितना होता है, 2, 8 और 7। तो Na यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो Cl का क्या, तो क्या बन जाता है, Na प्लस, और क्या बनता है, प्लस Cl माइनस बनता है, यही ना दोनों मिलके NaCl बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, आयनिक बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, लेकिन कुछ छेड़छाड़ हुआ न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, और एटम का सारा मास, अधिकतर मास, 99% से ज्यादा मास जो है वो किसमें कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस को कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया यहां से, तो इसीलिए केमिस्ट्री में हम लोग मास को कंजर्व करते आए हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, यहां पर लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द चेंज इन मास ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन थ्रू दो स्मॉल, भले वो बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा उस चेंज को ऑब्जर्व करने में, इज नेवर जीरो, ठीक है। अरे बस समझ में, न्यूक्लियस से कोई छेड़छाड़ नहीं होता केमिस्ट्री में, अधिकतर बार छेड़छाड़ यही इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, टूटते हैं,
और इसीलिए हीट थोड़ा मोड़ा निकलता है। तो अगर अच्छा होता कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको क्या लिखते हैं, मास एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं, कि मास प्लस एनर्जी क्या होता है सिस्टम का, कंजर्व रहता है, ये लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि आजकल सभी अधिकतर साइंटिस्ट का मानना है कि मास और कुछ नहीं, एनर्जी का ही फॉर्म है और ज्यादातर तवज्जो एनर्जी को दिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, अगर हम उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मास प्लस एनर्जी है वो सिस्टम का कांस्टेंट है। केवल मास कांस्टेंट नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि अधिकतर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटोन न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए हम बच जाते हैं और हम बार बार रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते रहते हैं, अधिकतर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते रहते हैं लगभग सभी को। लेकिन वही बात जब न्यूक्लियर रिएक्शन में आ जाती है, जिसे देखो अगर तुम यूरेनियम 235 को उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराओगे, न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स है, तो क्या बनता है, बेरियम प्लस क्रिप्टोन बनता है और 3 न्यूट्रॉन आता है और बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलता है, मतलब एनर्जी निकलता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसमें छेड़छाड़ हुआ है किससे, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, किसके एटम के न्यूक्लियस से छेड़छाड़ हुआ है, यूरेनियम से। तो इसीलिए यहां पर तो मास क्या हो गया, कंजर्व, यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर लाफ कंजर्वेशन मास लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर एनर्जी वगैरह निकल रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि मास यहाँ पर कंजर्व नहीं, यहाँ पर एनर्जी है। तो यहाँ पर चूंकि न्यूक्लियस से छेड़छाड़ हुआ है और न्यूक्लियस ही बहुत मेन जगह है जहां पर अधिकतर मास कंसंट्रेटेड होता है एटम का। तो मैंने कई जगह देखा कि लोगों ने कहा कि केमिकल रिएक्शन में ठीक है, केमिकल रिएक्शन में बैलेंस होता है मास, लेकिन न्यूक्लियर में नहीं। वो तो बिल्कुल सही, लेकिन केमिकल रिएक्शन में भी दिक्कत है। आ रही बात समझे? केमिकल रिएक्शन में भी तुम पूरी तरह नहीं कर सकते हो कि मास क्या है, हमेशा बैलेंस होता है, जितना रिएक्टेंट का होता है उतना प्रोडक्ट का है। लेकिन अगर तुमको कहा जाए कि क्या लिखोगे, तुम्हें यही लिखना होगा, एग्जाम में भी यही लिखना होगा। तो एग्जाम में क्या लिखें, तो एग्जाम में वही लिखो, क्योंकि अब क्या लिखना होगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट। बस ये समझाने के लिए था कि क्यों, मतलब क्योंकि तुम्हारे मन में सवाल तो जरूर उठा होगा ना कि इतने सारे रिएक्शन हो रहे हैं, क्या वे अपने आप बिना कुछ हुए, ना हीट निकल रहा है, ना लाइट निकल रहा है, ना साउंड निकल रहा है, क्या अपने ऐसे रिएक्शन हो जाते हैं बिल्कुल, मतलब कुछ भी, तो फिर वहां तो एनर्जी आ रहा है और मैंने सुना था कि एनर्जी ही मास का फॉर्म है, तो फिर मास कंजर्व कैसे हो रहा है? तो इस चीज को बताने के लिए, लेकिन एग्जाम में लिखना होगा। तो एग्जाम में अगर कहेगा कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यही लिखना होगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सीधा सीधी यही लिख देना। ये सब मत लिखना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये मैं तुमको बताया, मुझे लगा जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई लड़का अच्छे से या कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा तो उसके मन में सवाल जरूर आएगा, वरना अगर वो छापते चलेगा तो उसमें सवाल, ये सब सवाल नहीं उठेगा उसके मन में। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाया है कि इफ यू मेजर विद द वेरी सेंसिटिव इक्विपमेंट द सम ऑफ द मास ऑफ 2 मिलियन ऑक्सीजन एटम एंड 1 मिलियन कार्बन एटम दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन मेजर द मास ऑफ 1 मिलियन CO2 मॉलिक्यूल यू विल फाइंड दैट दीज मासेस टू बी डिफरेंट। वही कह रहा है कि अगर सी प्लस वो करोगे तो CO2 मिलेगा, तो यहाँ पर 2 times वो करो तो देखो, तो अगर 1 मिलियन कार्बन एटम को लेंगे और 2 मिलियन ऑक्सीजन एटम को लेंगे तो मिलके क्या बनाएगा, 1 मिलियन CO2 एटम बनाएगा। तो पहले इसका मास तौल लो, ठीक है, दोनों का अलग अलग, जब दोनों लगे और अब इसका मास तौलो तो दोनों सेम नहीं आएगा, अगर बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से सॉल्व होगा, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, क्योंकि सिस्टम स्टेबल हो रहा है बॉन्ड बनने में, बॉन्ड जब बनता है तो सिस्टम स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन अब बैलेंस तो करना है ना, इसलिए बैलेंस कर दिया, यहाँ पर पहले वो था ना तो यहाँ 2 times मल्टीप्लाई कर दिया, आगे देखेंगे बैलेंस कैसे किया जाता है। नोट डेट वेन ए केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व्स एनर्जी एंड देयरफॉर गेन्स मास इट्स नॉट लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड। ओके, फुल स्टॉप। द चाहो तो नोट कर लो ये सब। द एक्स्ट्रा मास इज नॉट कॉज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ न्यू पार्टिकल्स, रादर द एक्स्ट्रा मास इज हेल्ड इन द सिस्टम एज ए होल, फुल स्टॉप, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन एंड स्टेट ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम रिलेटिव टू ईच अदर, द सिस्टम गेन्स और लूजेस मास इन एडिशन टू द इंडिविजुअल मासेस ऑफ द पार्टिकल्स, फुल स्टॉप। दिस कंसेप्ट इज वेरी सिमिलर टू द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट वी नो नाउ नो दैट एनर्जी इज एक्चुअली स्टोर्ड एज ए मास। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जो एनर्जी जो फॉर्म हो रहा है ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन के अर्थी होने से, मतलब
इट इज नॉट लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप क्रिएट नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा मास इज कॉज्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ न्यू पार्टिकल्स, रादर एक्स्ट्रा मास इज हेल्ड इन द सिस्टम एज ए होल, होल सिस्टम का मास प्लस एनर्जी जो होता है वो कंजर्व रहता है। लेकिन अगर इसको मतलब वही इसीलिए कहा गया केमिस्ट्री में कि भाई इतना मत करो, सीधे सीधे क्या करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो, वैसे भी इलेक्ट्रॉन का उतना मास नहीं होता है और जो भी एनर्जी निकलता है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए डाल दो सीधे, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, शायद जोसेफ प्रेस्टले ने इसको दिया था, क्या कहता है देख लो, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड कॉमा दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाते हैं तो वे फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, है ना। जैसे कार्बन को बनाने के लिए तीन मेथड है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटालिक कार्बोनेट्स, बाय द बर्निंग, बाय बर्निंग कार्बन, बाय रिएक्शन ऑफ मेटालिक कार्बोनेट विद एसिड, तो तीनों तरीके से जो भी बनेगा वो CO2 ही बनेगा और कार्बन 1:2 के फॉर्म में यहाँ पर, यानी 1:2 का फॉर्म हमेशा मिलेगा, CO2 ही बनेगा, और ऐसा नहीं है कि कहीं C3O2 ऐसे बन जाएगा या फिर ऐसे, CO2 कहीं भी अमेरिका में या इंडिया में कहीं भी हो CO2 में 1:2 का रेशियो है, यानी कि अगर 100 ग्राम CO2 ले रहे हो तो उसमें कितना होगा 1/3 × 100 क्या होगा कार्बन होगा और 2/3 × 100 क्या होगा ऑक्सीजन होगा इतना ग्राम, यानी 1:2 का रेशियो रहता है। बस यही कहना चाहता है कि फिक्स रेशियो में, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रैक्शन में आगा, फिक्स रेशियो में हमेशा रहता है चाहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो। When the three samples of CO2 produced by the three different methods are analyzed, comma, the ratio by weight of carbon and oxygen has been found to be same, that is 12:32 or 3:8. 12:32 क्यों? क्योंकि देखो कार्बन का मास कितना 12 mu, तो 12 mu और एक कार्बन है CO2 में और ऑक्सीजन दो है तो 16 × 32 तो 32 mu, इसीलिए हम लोग क्या किए 12:32 और इसी को अगर क्या करोंगे 12:32 को क्या करोगे 6 दुनी इसको क्या करो 6 छक किसे कटेगा ये 2 छक 12 और 16 × 32 द्वितीय 6 2 8 तो 3:8 का यही इसी को 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो 3:8 का रेशियो आ जाएगा। यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो CO2 का, हमेशा जो CO2 में जो मास का रेशियो है वो 3:8 का है। 3 किसका है C का है और 8 किसका है ऑक्सीजन का है। ये डेफिनेट बस कहने की है, मतलब फिर भी लॉ है तो पढ़ लो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या आता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू गिव मोर देन वन टाइप ऑफ ए प्रोडक्ट कॉमा द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द एलिमेंट्स दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर एलिमेंट ऑलवेज बियर्स अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो। कहने का मतलब क्या है कि अगर N2O है, NO है, NO2 है, इन तीनों में अगर तुम देखोगे तो 14 ग्राम नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन के, इसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के, और इसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के। तो देख रहे हो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना रेशियो 14 ग्राम 14 ग्राम 14 ग्राम, हर में सेम मास है हम लोग कर लिए हैं नाइट्रोजन का, तो उसमें देख रहे हैं कि 8 ग्राम 16 ग्राम 32 ग्राम, यानी रेशियो कितना है 1:2:4 का रेशियो है, 8 × 16 8 × 32, यानी कि अगर सेम फिक्स मास हम लोग रख देते हैं, अगर हम फिक्स मास रख देते हैं कंबाइंस विद ए फिक्स वेट ऑफ द अदर एलिमेंट ऑलवेज बियर्स अ सिंपल रेशियो, अगर एक का वेट फिक्स रख देते हैं उस कंपाउंड में जो भी कंपाउंड बना एलिमेंट एलिमेंट के रिएक्शन से, तो हम देखते हैं कि जो दूसरा कंपाउंड है वो ऑलवेज बियर्स अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो, यही सिंपल रेशियो, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फ्रैक्शन आ गया, केवल ये क्या है इंटीग्रल रेशियो है। आ रही है समझ में, इसको चाहो तो नोट कर लो, इसका थोड़ा मोड़ा यूज है कहीं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। देख रहे हो यहाँ पर N2O, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन कंपाउंड दूसरे दूसरे हैं, यहाँ पर N2O हो गया। और इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका इन तीनों का नाम क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि नाम लिखना जरूरी है। सेमी दूसरे दूसरे एलिमेंट ने ही रिएक्ट किया, सेमी एलिमेंट रिएक्ट किया लेकिन अलग अलग प्रोपोर्शन रिएक्ट किए, तो जब हमने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया तो हम देख रहे हैं कि जो भी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है वो खास रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं 1:2:4 में, ऐसा नहीं है कि 1:1/3:1/4 इस तरह से कोई फ्रैक्शन के अथी में नहीं अथी कर रहे हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, फिक्स वेट ऑफ द अदर एलिमेंट ऑलवेज बियर्स अ सिंपल इंटीग्रल रेशियो लिखा है। अब आते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब आते हैं बैलेंस करने के लिए, जो कि बहुत देर से तुम लोग
शायद वेट भी कर रहा होगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं इसका हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के चलते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, कोई फिजिकल चेंजेस या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो Fe2O3 प्लस कार्बन मिलकर क्या बनाता है, Fe प्लस CO बनाता है। तो क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, इधर दो एटम है किसका, आयरन का, लेकिन यहाँ तो एक ही एटम है और कार्बन का, यहाँ एक एटम कार्बन है, तो कौन कौन बैलेंस नहीं है यहाँ पर। इसको क्या कहते हैं, स्केलेटन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो अभी मतलब जो बैलेंस नहीं हो, जो अब ना बहुत जिसमें केवल लिखा हो कि क्या क्या प्रोडक्ट बना है और बैलेंस नहीं हो, तो उसको स्केलेटन ठीक करते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटन मतलब कहने का मतलब कि अभी जस्ट इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं हुआ है और उसको हम लोग देख रहे हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, सी तो बैलेंस है ही। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ हम लोग इसको टू यहाँ पर कर दें, दो आयरन है इधर, इधर भी दो आयरन होना चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई कर दिए Fe को। कार्बन बैलेंस है क्योंकि एक कार्बन एटम यहाँ भी, एक कार्बन एटम और कहीं है, ऑक्सीजन यहाँ तीन है लेकिन यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन तो तीन हो गया लेकिन कार्बन इधर थ्री हो गया, इधर एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। अभी हम बताएंगे कि कैसे, मतलब अभी लोग एट क्लास के लेवल में तो अभी काफी ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि बैलेंसिंग करने के लिए रिडॉक्स मेथड का भी यूज होता है, उससे नहीं हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी हम लोग सिंपल देख रहे हैं कि कैसे तुम, अभी हम बताता हूँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ इस पर, ऐसे तो बहुत सारे बैलेंसिंग होंगे। इसे देखो, HNO3 प्लस सल्फर क्या बनाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस इसको क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। सबसे पहले क्या करो ना कि मैंने जो हैवियर एलिमेंट है ना, हैवियर एलिमेंट उनको पहले बैलेंस करो, ठीक है। जो बहुत कम आ रहे हैं, जो भी हैवियर एलिमेंट है उनको कम बैलेंस करो, अंतिम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सबको बैलेंस करना, ठीक है। ये एक सिंपल सा है, इसको अपनाओगे तो काफी मतलब सहूलियत होती है। ये नहीं कि पहले से ही हाइड्रोजन को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये ऑक्सीजन को पहले से बैलेंस कर, इसमें उसको पकड़ो पहले जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और या फिर उसका जो एटॉमिक मास है वो ज्यादा है, उसको पकड़ो पहले, क्योंकि ऐसे जो होते हैं एटॉमिक मासेस वो बहुत ज्यादा कंपाउंड ही बनाते हैं, एक ही तरह के कंपाउंड। जैसे कि देखो तो ऑक्सीजन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब क्या ही, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो अगर ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने चलोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, फिर फंस जाओगे, करते रह जाओगे बैलेंस। पहले उसको पकड़ो, जो बड़े हाथी को पकड़ो, बड़े वाले हाथी को पकड़ो, देख रहे हो, ये सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, इन दोनों को पकड़ो पहले। तो देखो तो सल्फर तो बैलेंस है ना, इधर एक सल्फर, यहाँ भी एक ही सल्फर है, तो सल्फर पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन इधर कितना है, एक ही है, इधर भी नाइट्रोजन एक ही है, लो। तो बचा कौन बैलेंस करने के लिए, पहले देखना जरूरी है कि कौन बैलेंस है, ठीक है। ये क्या है, स्केलेटन इक्वेशन है अभी, तो इसमें कौन कौन बैलेंस है अभी, बैलेंस्ड अपने मन में देख लो, एस बैलेंस है, एन बैलेंस है, तो बैलेंस कौन, अब तो इसका मतलब कौन कौन बैलेंस नहीं है, एच बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है और हाइड्रोजन ही बैलेंस है। तो चलो देखते हैं, अब किसको पकड़ो, ऑक्सीजन को पकड़ो, ऑक्सीजन इधर कितना है, थ्री है, इधर कितना है, चार ऑक्सीजन प्लस दो ऑक्सीजन छ और प्लस एक सात, इधर सात ऑक्सीजन है और इधर थ्री ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या करें, कैसे बैलेंस हो, तो हम क्या करते हैं, एक चीज हम इसको क्या करते हैं कि इधर इधर सात है, इधर तीन है, तो सात तीन, तो हम जो मेथड कर रहे हैं बैलेंसिंग का, इसको क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। हम बार बार उसको लगा के देखते हैं, गलती हुआ तो फिर से दूसरा ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी उतना ज्यादा हम लोग को कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। तो हम देखते हैं, तो अब हम किधर गया, ऑक्सीजन तीन है, इधर सात है, हाइड्रोजन का क्या हाल है, तो हाइड्रोजन कम संख्या में है, दो प्लस दो, इधर चार हाइड्रोजन है और इधर एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, तो चार हाइड्रोजन इधर भी हो गया, उधर भी हो गया, लेकिन यहां से फिर दिक्कत ये हो गया कि चार से मल्टीप्लाई किए पूरे को ना, तो चार नाइट्रोजन भी हो गया और 12 ऑक्सीजन हो गया, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर चार नाइट्रोजन हो गया, तो यहां पर भी चार से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी चार नाइट्रोजन हो गया, ओके, चार नाइट्रोजन इधर भी हो गया, लेकिन अब क्या बैलेंस, तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है और सल्फर भी बैलेंस है, बचा केवल क्या, ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 12 है, और इधर कितना है, चार, चार दुनिया आठ, चार बारह, 13 ऑक्सीजन है,
13 ऑक्सीजन, ओके 13 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करते हैं इसमें, 13 एक मिनट, तो इधर 12 है और इधर कितना है, 4 × 8 = 8, ऐसा देखते हैं ऑक्सीजन। यहाँ O2 केवल मत लेना, यहाँ 4 पहले से मल्टीप्लाई है, जो 4 × 8 = 8 × 4 = 12 = 13 है। तो क्या करें, इधर तो एक ज्यादा है, इधर एक ज्यादा है, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई अगर ये हो गया तो 2 से अगर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 8, 8 × 2 = 10, 10 × 4 = 14, 14 ऑक्सीजन हो जाएगा, 14 ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर फिर हम देखेंगे, एक काम करो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 NO2, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, अब जाके बैलेंस है। देखो तो इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर इधर भी कितना है, 2 × 4 = 6 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 × 18 ऑक्सीजन है, और इधर कितना है, 4 × 6 = 12 और 4 = 16 और 2 = 18 ऑक्सीजन है, 18 18 दोनों तरफ है, सल्फर 1 1 है और नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन, इधर भी 6 नाइट्रोजन, तो हम दोनों तरफ ये बैलेंस है। तो बैलेंसिंग करके क्या आया, 6 HNO3 प्लस S, ये मिलकर क्या देगा, H2SO4 प्लस 6 NO2 प्लस 2H2, ये हो गया इसको, ये पहले स्केलेटन इक्वेशन था जो बैलेंस नहीं था, अब ये बैलेंस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको बैलेंस इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम सिंपल सा लो ना, H प्लस O जब इसको इलेक्ट्रिसिटी या कैटलिस्ट देते हैं तो क्या बनता है, H2O, यहाँ पर 2 टाइम्स H थे तो बैलेंस हो गया, 2 बार H से ऑक्सीजन तो पहले से ही एक ही, तो इधर भी एक ही है, इधर इधर तुम्हारा 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस हो गया जब 2 से 2 को एन से मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल सा है जिसे। और CA, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या लें, CA प्लस H2O, ये क्या मिलके बनाता है, कैल्शियम को जब वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो CaOH का होल 2 बनाता है, तो इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 4, अब जाके ये क्या हुआ, बैलेंस है। देखो तो जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो इधर तो 4 क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, और इधर इधर अभी भी 2 ही हाइड्रोजन था, तो हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, अब इधर क्या हो गया, 2 × 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और कैल्शियम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैल्शियम ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, देखना ये सही है कि नहीं, इस तरह से बैलेंसिंग करते रहो। जैसे एक एग्जांपल देखो, CaCO3 को जब डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2 बनता है, तो कैल्शियम तो बैलेंस है, यहाँ पर भी है, 3 O है, 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 ऑक्सीजन है, और एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है, मुझे ये वाले में गड़बड़ लग रहा है, मुझे ये देखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला तुम इसका अथी बनाना, मैं बाद में इसको अथी देखूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहला कि फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर से मिलाते हैं तो CaOH2 का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है। दूसरा क्या है, सोल्यूशन का जब, बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जब कि जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तब वो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्वा सॉल्यूशन में डाले जाते हैं वो रिएक्ट करते हैं, जैसे AgNO3 प्लस NaCl एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये क्या बनाता है, AgCl प्लस NaNO3 बनाता है, ओके, तो सॉल्यूशन चाहिए। फिर कुछ सब्सटेंस हीट है, जैसे KCl3 को पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, तो हीट करने पर, तो क्या कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन, फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए, सॉल्यूशन हो, हीट हो। फिर उसके बाद क्या है,
कुछ केमिकल रिएक्शन को होने के लिए लाइट चाहिए। इसका फेमस एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है ना, कि प्लांट क्या करते हैं CO2 ऑब्जर्व करते हैं बाहर से, और वाटर तो वे रूट से लेते ही है, तो CO2 प्लस H2O में क्या बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन गैस ये रिलीज करते हैं, है ना, यही रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या जरूरत पड़ती है, सनलाइट की, वो लाइट है ना, इसी को HNU से डोनेट करते हैं, कि लाइट की एनर्जी को HNU से डोनेट करते हैं, तो सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए लाइट की भी जरूरत पड़ती है। फिर H2O को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो तो इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होता है। अब तुम मुझे बताओगे कि एनोड पे कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है, कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस किस तरफ इन्वॉल्व होगा, एनोड वाले सेक्शन पे या कैथोड वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की भी जरूरत पड़ती है, और ये इसका दूसरा एग्जांपल भी है। फिर साउंड एनर्जी भी की भी जरूरत पड़ती है कभी काल केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। फॉर एग्जांपल C2H2, ये क्या है, इथाइन है, इथाइन ही है ना, अल्काइन ग्रुप का है ये, CnH2n-2। इसको साउंड एनर्जी जब देते हैं साउंड, तो 2C+H2 में आ जाता है। तो देख रहे हो रिएक्शन को होने के लिए केमिकल रिएक्शन क्या जरूरत पड़ रही है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, सॉल्यूशन, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, साउंड एनर्जी, बहुत बार प्रेशर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं और प्रेशर देते हैं लगभग 150 से 200 ATM का, टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कुछ होता है, हाई टेम्परेचर भी यहाँ चाहिए, और आयरन कैटलिस्ट चाहिए, तो ये अमोनिया बनता है। तो इस तरह से फिर बहुत बार कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट किसको कहते हैं, कि वह सब्सटेंस जो बिना का केमिकल रिएक्शन में उनका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, लेकिन वे केमिकल रिएक्शन की रेट को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, खुद केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, उनका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, और लेकिन वे केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड को जब हम MnO2 ये कैटलिस्ट लेते हैं, तो ये तो क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2। तो जब हम MnO2 कैटलिस्ट लेते हैं तो ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है, यानी ये जल्दी बनने लगता है, प्रोडक्ट बहुत स्पीड में बनने लगता है, यही कैटलिस्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। या और दूसरा ये हम लोग देखेंगे कि जब H2O2 को अल्कोहल और इथर के प्रेजेंस में इसको अथी करते हैं, तो H2O+O2 बनता है, जब रखते हैं इसको, तो ये क्या करता है कि ये रिएक्शन को स्लो कर देता है अल्कोहल या इथर को लेने से, ये कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स का कंटेंट्स इतना ऑक्सीजन बाय वेट रेस्पेक्टिव, फाइंड द रेट ऑफ द वेट ऑफ द मेटल कंबाइनिंग विद फिक्स वेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये तुम्हारे लिए है, इसको बनाना, इसका आंसर कितना है, 2:1 है, लगभग अप्रोक्स में 2:1 आएगा, हालांकि एग्जाम्पल में दिया हुआ है बुक में, तो तुम चाहो तो नहीं बनेगा तो एग्जाम्पल देख लेना, मतलब लेकिन पहले ट्राई जरूर करना। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन एक तो होता है कि तुम्हारा कॉम्बिनेशन, कि दो एलिमेंट हैं और दोनों मिलकर एक कंपाउंड बन गए, A+B AB, ये दिखाने के लिए सिंबॉलिक है, तो ये क्या होता है कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, और इसी को सिंथेसिस भी कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंथेसिस, ये सिंथेसिस का ही एग्जांपल है, कि ये कंपाउंड अपने एलिमेंट से मिलकर बना है ए कंपाउंड। द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कॉल्ड सिंथेसिस, ये सिंथेसिस का ही एग्जांपल है। अब दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन तरह के, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट के प्रेजेंस में जब सब्सटेंस कोई कंपाउंड एक से ज्यादा कंपाउंड के में टूटता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका तुम एग्जाम्पल देख सकते हो बुक में है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल बुक में, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें तो देखा ही था कि वाटर को जब इलेक्ट्रिक अति देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो किसमें किस डिकम्पोज करता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर जाता है वाटर को जो देते हैं, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AB+C, क्या बन रहा है, CB+A। ओके, हमने क्या क्या देखा, कॉम्बिनेशन देखा, फिर हमने क्या देखा, डिकम्पोजिशन, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो AB+C, तो क्या बन गया, CB+A। तो क्या क्या, सी इसको ए को हटा दिया और खुद बी के पास आ गया, और ए हट के अपना अलग बन गया, तो ये डिस्प्लेस हो गया, यानी सी डिस्प्लेस किया ए को, ठीक। ओके, तो इसी को डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इसी के लिए हम लोग मेटल रिएक्टिविटी पढ़ते हैं, KNSCA MgAl, ये रिएक्टिविटी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, के पोटेशियम, मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। ये मेटल रिएक्टिविटी, इसमें नॉन मेटल मेटलाइट्स नहीं है कोई,
और सबसे कम क्या है, प्लेटिनियम रेटिव है। तो जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। ध्यान दो, जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ये दिख रहा है तुमको, इसका मतलब जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है अपने सोल्यूशन से। देख रहे हो इसको जरा ध्यान से देखना। इसका एग्जाम्पल यह है कि Fe प्लस CuSO4 क्या बनाता है, FeSO प्लस प्लस FeSO4 प्लस Cu। क्यों, क्योंकि ये जो आयरन है ये तगड़ा है, ये मतलब काफी तगड़ा है ये आयरन। देख ये आयरन देख रहे हो, आयरन यहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर यहाँ है, तो कॉपर से कई गुना बहुत ज्यादा ऊपर है आयरन। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और क्यों है रिएक्टिव ये भी हमने एक बार डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। बहुत सारी चीजें होती हैं डिपेंड करते हैं जिसके चलते रिएक्टिविटी, ऐसे क्लास 9-11 में ज्यादा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आगे जाके कि क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं तो तुम खोज सकते हो उसको। ये तो बस बता दिया गया, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है इसको, हालांकि देखता हूँ किसको इसको याद है। तो Fe प्लस CuSO4, तो क्या किया Fe ने, इसको किक कर दिया कि हटो भाई तुम हटो यहाँ से, तुम कमजोर हो, तुम इसके साथ नहीं रह सकते, हम FeSO4 बना लेंगे और प्लस Cu अलग हो गया, तो ये डिस्प्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। इस सबको थोड़ा याद रखना कौन किसके ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने की जरूरत होती है। लेकिन अगर तुमको सर ब्लैक बोर्ड पर बुला के स्कूल वाले सर कि बता भी क्या बनेगा Cu प्लस FeSO4 क्या बनेगा, तो बोलना कि ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि भाई कॉपर कम रिएक्टिव है ना, कॉपर क्या है कम रिएक्टिव है। ये नहीं कि वहां ब्लैक बोर्ड पर जाके लिखने लगे, क्या लिखने लगे CuSO4 प्लस Fe लिख के आ गए, भाई कैसे कॉपर इसको कैसे हटा देगा आयरन को, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कहेगा नहीं भाई हम नहीं हटेंगे, क्यों हटे हम, तो ये CuSO4 प्लस Fe क्यों बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये नॉट पॉसिबल है आगे, ये नॉट पॉसिबल है। तो इसीलिए भाई ध्यान देना ठीक ओके यही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, एक किस तरह का रिएक्शन का उदाहरण डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस किया तो ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। हाँ ये कभी पॉसिबल कब होगा, जब बाहर से तुम एनर्जी दोगे, लेकिन वो फिजिबल नहीं होगा। बाहर से जब एनर्जी दोगे तुम खुद तब हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन वो ऐसे जनरली ये नॉट पॉसिबल है। हाइड्रोजन का भी रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन में, उससे कम क्लोरीन और उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। ये देख रहे हो मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन, और सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन। अब क्यों होता है, तो फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस चीज को समझना। और हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी सीरीज ये हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर एग्जांपल भी दिया कि NaBr सोडियम ब्रोमाइड को Cl2 के साथ जब लेते हैं तो क्या होता है, जो जो क्लोरीन है ये इसको कहाँ किया भाई, किधर गया, हाँ क्लोरीन इसको हटा के क्लोरीन ब्रोमीन को हटा देगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कहेगा ब्रोमीन को कहेगा चल हट जल्दी निकल यहाँ से, और तो NaCl बन जाएगा NaCl, और ब्रोमीन बाहर आके बेचारा ऐसे ही बैठा रहेगा, पहले Na के साथ था अब आराम से था, क्योंकि क्लोरीन ने बाहर कर दिया। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का ज्यादा रिएक्टिविटी है ना ब्रोमीन से, और रिएक्टिविटी स्टेज में ऊपर हाइड्रोजन के, और इनका नाम हाइड्रोजन क्या होता है ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरह से, लेकिन क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है NaCl प्लस Br, क्या ब्रोमीन इसको हटा सकता है क्लोरीन को यहाँ से, नहीं हटा सकता, क्योंकि ब्रोमीन का रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल है। ये रिएक्शन क्या है, नॉट पॉसिबल। ये नहीं कि अगर सर ने ब्लैक बोर्ड पर बुला के रिएक्शन दे दिया, पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बना कुछ भी बना के आ गए, ये कभी भी क्या क्या नहीं देगा, NaBr प्लस Cl2 नहीं देगा ओके। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये हो क्या हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब AB प्लस CD AD प्लस BC बन रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि NOH प्लस NCl, तो बेस प्लस एसिड मिलेगा, तो क्या बेस प्लस एसिड मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर आता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी का कुछ कुछ एग्जांपल तुमको दिया हुआ है। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट, इन अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट गेट्स परसिपिटेटेड द रिएक्शन कैन बी कॉल्ड ए परसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर कोई एक प्रोडक्ट परसिपिटेट कर गया तो उसको क्या बोलते हैं, परसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के सी एल प्लस ए जी एन ओ थ्री, तो क्या बनाता है के एन ओ थ्री प्लस ए जी सी एल, ये परसिपिटेशन बन गया, यानी वो सॉलिड फॉर्म में थोड़ा आ गया और वो कंटेनर के या फिर टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर जाके बैठ गया, और उसका कुछ कलर हो सकता है अपना परसिपिटेशन का। एक और परसिपिटेशन का एक एग्जाम्पल है, देखो तो इसमें एक्सचेंज हुआ है दोनों तरफ, के NO3 हो गया और AgCl के साथ हो गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया,
इसी तरह ये एग्जांपल दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट का, जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन, इट इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो भी ऑक्सीडेशन हुआ, और या हाइड्रोजन हटाएं तो भी ऑक्सीडेशन हुआ। देखो तो H2 किधर गया, H2S में पहले सल्फर क्या था, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब सल्फर रिएक्शन के बाद क्या हो गया, अल्लग चला गया। अब सल्फर हाइड्रोजन से जो है, सल्फर का में क्या हो गया, रिमूवल हुआ है ना, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन का। तो इसलिए इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, सल्फर क्या हुआ, इसलिए हम क्या लिखते हैं कि सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि पहले हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था, अब हाइड्रोजन नहीं है रिएक्शन होने के बाद, तो रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, इसीलिए बोलते हैं कि सल्फर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। और Cl2 देखो तो पहले Cl2 किसी के साथ नहीं जुड़ा था, अब अति हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, इसका मतलब क्या है, क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसको देख लेते हैं, रिडक्शन को क्या कहते हैं, इट डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। तो अगर हाइड्रोजन जुड़े तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा अथी के बाद, रिएक्शन के बाद, तो इसलिए बोलते हैं कि क्लोरीन का क्या, यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन उससे हटा। ओके, सिंस इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कहीं नहीं है, तो हम हाइड्रोजन के टर्म्स में ही देख लेते हैं। ओके, तो रिडोक्सिएशन इसी तरह से किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहा है, तो उसे रिडोक्सिएशन कहते हैं। इन रिडोक्सिएशन वन सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अदर सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, ये रिडोक्स रिएक्शन का ही उदाहरण है, रिडोक्स रिएक्शन का ही उदाहरण है, H2S plus Cl2 HCl plus S। बाद में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में भी देखेंगे, लेकिन अब ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं। इसको फिर से इस डेफिनेशन को देखना और समझना कि कैसे मैंने इसको किया है। और जो जिसका ऑक्सीडेशन, जैसे सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो जो ऑक्सीडाइज होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइज तभी हुआ है जब वो दूसरे को रिड्यूस कर दिया है। और जो रिड्यूस हुआ है, क्लोरीन यहां रिड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो अभी उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिडॉक्स तो बाद में भी पढ़ना है, इसलिए अभी उतना डिटेल से नहीं पढ़ना है। तुम डेफिनेशन भी जान जाओगे तो काफी है उसके लिए। अब ये क्वेश्चन बना के देखना, नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सप्लेन, इसको बना के दिखाना। नाइट्रिक एसिड क्यों, अगर ज्यादा तक HNO3 नाइट्रिक एसिड इसी को कहते हैं, जब ये बहुत देर तक रखते हैं तो लाइट के प्रेजेंस में HNO यानी लाइट के प्रेजेंस में किसमें टूट जाता है, NO2 प्लस H2O प्लस O2 इसमें टूट जाता है। तो NO2 के फॉर्मेशन के कारण नाइट्रिक एसिड को अगर बीकर में रखे हुए तो थोड़ा देर बाद क्या होता है, ये येलो रंग में क्यों बदल जाता है, इसी के कारण, NO2 के फॉर्मेशन के कारण, क्योंकि NO2 जो गैस है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये येलो ब्राउन कलर का होता है, येलो ब्राउन कलर का। तो इससे जो सोल्यूशन है, जो पहले जो सोल्यूशन क्या है, वो येलो रंग का दिखने लगता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है कि NO2 ही क्यों बनाता है, यहाँ पर ये NO भी तो बना सकता था, या N2O भी तो बना सकता था, NO2 ही क्यों बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ही क्यों मतलब बनता है टूटने के बाद। HNO का मतलब क्या है, लाइट के प्रेजेंस में, ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये जो नाइट्रिक एसिड है काफी अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर या फिर मतलब थोड़ा सा भी लाइट वगैरह मिले तो ये इसमें टूट जाता है, ये तीनों में। तो अगर पूछेगा कि नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सप्लेन, क्यों, क्योंकि NO2 के फॉर्मेशन के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा कलर होता है, येलो ब्राउन कलर। आगे हम लोग लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और उसी क्वेश्चन में हम लोग बैलेंसिंग भी देखेंगे, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।